स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि कभी कभी नेचर में ऐसा फाउंड होता है और अक्सर ही ऐसा फाउंड होता है कि जैसे कि कोई भी एलिमेंट है अगर वो प्योर स्टेट में है, ठीक है, तो उसके कई फॉर्म मिलते हैं। जो अलग अलग फॉर्म हुए वो सब एक्चुअल में वही सेम एलिमेंट रहते हैं लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखने लगता है। जैसे कि कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन का जो डायरेक्टली हमें कार्बन ब्लैक, अगर हम लोग किसी कैंडल को जलाते हैं उसके ऊपर कोई स्टील का बर्तन रखते हैं तो उसके नीचे पूरा ब्लैक ब्लैक जम जाता है, तो वो जो हुआ वो प्योर कार्बन हुआ। उसी तरह से अगर हम लोग डायमंड की बात करें वो भी कार्बन होता है। उसी तरह से ग्रेफाइट की बात करें वो भी कार्बन होता है। तो ये सब एक्चुअल में 100% प्योर कार्बन ही है लेकिन इसका जो अंदर में एटम का जो अरेंजमेंट होता है, कोई भी अगर हम लोग डायमंड लेते हैं और एक ग्रेफाइट लिए, दोनों के अंदर में जो एटम्स का जो अरेंजमेंट हो रहा है वो अगर वहां पे डिफरेंट हो जाता है तो वो अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करने लगता है लेकिन एक्चुअल में वो दोनों ही कार्बन होते हैं। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन में ही होता है, और भी एलिमेंट है जिसमें ये चीज हमें मिलता है। जैसे कि ऑक्सीजन में, जैसे ऑक्सीजन गैस जो हवा में है वो और ओजोन दोनों ही ऑक्सीजन एटम से बने हुए हैं लेकिन दोनों का अरेंजमेंट अलग है, एलोट्रॉप हो गया। उसी तरह सल्फर के भी एलोट्रॉप होते हैं, फास्फोरस के भी एलोट्रॉप होते हैं, टिन के भी एलोट्रॉप होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि क्या होगा डिफिनेशन, एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट वेयर द एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पैटर्न resulting in distinct physical and chemical properties. Allotropes क्या होता है? Different form of same element रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी element का दो allotrop है, ठीक है, allotrop A हो गया, allotrop B हो गया, दोनों का जो atoms जिससे बने होंगे वो दोनों ही, पहली बात तो एकदम same होंगे, दोनों ही same atom से बने होंगे, same element के atom से बने होंगे, और सबसे बड़ी बात ये element में ही पाया जाएगा और इसका मतलब होगा कि दोनों 100% pure है, कोई इसमें मिलावट नहीं होगी, ठीक है। तो ए हो गया और बी हो गया, दोनों में एटम सेम है, सेम एलिमेंट का बना, लेकिन जो एटम का अरेंजमेंट होता है, एटम का अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर हम एक कोई ब्लॉक लेते हैं कोई एलिमेंट का, ठीक है, कोई मेटल का ब्लॉक ले लिया या नॉन मेटल का कुछ ले लिया, तो जैसे ये ब्लॉक हो गया, इसके अंदर में तो छोटे छोटे एटम हो गए, ठीक है, तो इसका पैटर्न मान लेते हैं कि किसी एक का जो पैटर्न है वो इस तरह का पैटर्न है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न एटम से बैठे हुए, ओके, ऐसे बैठे हुए, लेकिन यही सेम एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरा है वहां पे इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, इस तरह का एलिमेंट का अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, या फिर कोई दूसरा शेप का चेंज ले लेता है। तो इस तरह का जो चेंज इन जो अरेंजमेंट हो जाता है एटम, इसके कारण उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि पहला वाला ए हो गया ये बी हो गया, दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारा चेंजेस हमें दिखने को मिलता है। होता तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, अगर हम लोग एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो दोनों सेम एटम से बने लेकिन उसके अरेंजमेंट अलग अलग हो जाने के कारण उसको, उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमें चेंज दिखाई देने लगता है, तो और इसी चीज को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप, ठीक है। तो कार्बन का अगर एलोट्रॉप होगा तो उसको कार्बन का एलोट्रॉप, सल्फर का एलोट्रॉप होगा तो उसको सल्फर का, यहाँ पे हमें कार्बन का एलोट्रॉप पढ़ना है। तो कार्बन के यहाँ पे हम लोग कौन कौन से एलोट्रॉप के बारे में जानना है, तो कार्बन ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बल्क मिक्सचर फ्लोरीन हो गया, तीनों के बारे में हम लोग डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी डायमंड, ग्रेफाइट, बल्क मिक्सचर फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मतलब कि तीनों के तीनों 100% प्योर कार्बन एटम से बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन एटम का जो अरेंजमेंट है डायमंड में, ग्रेफाइट में या बल्क मिक्सचर फ्लोरीन जिसको C60 बोलते हैं, इसमें तीनों में अलग अलग होता है, इसके कारण इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा हमें चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग एलोट्रॉप जो कार्बन हो गया जिसमें डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ब्लक मिस्टर आर फॉर्म बाय द कार्बन एटम, जैसे मैंने बताया, डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अनदर, कैसे इसमें कार्बन एटम का आपस में अरेंजमेंट है इसके एटॉमिक लेवल पे, कार्बन के एटम किस हिसाब से वहां पे सेट करके बैठे हुए, ठीक है, उसी पे इसका पूरा चेंजेस हो जाता है, ओके। अब हम लोग डायमंड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। डायमंड, each carbon atom is bonded to a four another carbon atom forming a rigid three dimensional structure, ठीक है, जो कार्बन के एटम होते हैं डायमंड में, ठीक है, डायमंड क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, 100% प्योर कार्बन से बना होता है, ओके, लेकिन जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और हर एक कार्बन एटम दूसरे चार कार्बन एटम से अटैच होता है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो,
इस वाले कार्बन एटम को देखो, ठीक है, ये वाला कैसे आ रहा है, एक इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, चारों से अटैच, ये चारों कार्बन एटम है, दूसरे चारों आटम। अब फिर उसी तरह से किसी और को देख लो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये है एक इससे, एक इससे, एक इससे, ये चार चार से अटैच। अब यहाँ पे आगे तो इसके आगे तो अरेंजमेंट दिखा हुआ नहीं, ये कट करके दिखाया हुआ है, ठीक है, इसके आगे भी होगा, ठीक है, जैसे कि ये हो गया, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो थ्री डायमेंशनल है, मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है इसमें, ठीक है। और एक ईच कार्बन एटम दूसरे चार कार्बन एटम से यहाँ पे ये ज्वाइंट रहता है, बॉन्डेड रहता है, और ये थ्री डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम लोग कहते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम ग्रेफाइट जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो डायमंड का स्ट्रक्चर है ये हो जाता है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ये पूरी तरह से थ्री डायमेंशनल टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा हो जाती है, सभी में सबसे ज्यादा हार्डनेस इसी की होती है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले तो बात करेंगे हार्डनेस के, डायमंड फेमस ही है हार्डनेस के लिए। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन मटेरियल ऑन द अर्थ, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय, क्यों ऐसा हार्डनेस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम अरेंज इन ए टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये बन गया टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, एक टेट्राहेड्रल थ्री डायमेंशनल में अगर आप देखोगे तो इसमें चार फेसेस हो जाएगा, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, एक पीछे वाला साइड वाला फेस, ठीक है, इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि एक एक स्ट्रक्चर यहाँ पे चार चार एटम का जब सेट लेंगे तो ये टेट्राहेड्रल के फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। इस फिगर में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप मान के चलो कि ये जो चार है इस तरह से टेट्राहेड्रल ये फॉर्म आ जाता है, ठीक है, ये वाला यहाँ देखो एक एक एटम बन गया, चार एटम से अटैच हो गया, और ये फिर चार चार से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका चार फेस हो जाते हैं, एक देखो ये वाला फेस हो गया, एक फेस, एक ये दूसरा फेस, ठीक है, एक बॉटम में नीचे वाला जो फेस हो गया ये वाला फेस, और एक ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये इसके पीछे वाला साइड, इस वाला साइड वाला जो फेस हो गया ये चौथा फेस, ठीक है। तो चार हो गया, चार हेड्रल होते हैं, ठीक है, इसलिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ओके। तो ये डायमंड की प्रॉपर्टी, क्यों इसमें सबसे हार्डनेस होता है कि टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, चारों आइटम, चारों कार्बन, एक एक कार्बन का आइटम चार चार कार्बन आइटम से अटैच करता है। अब दूसरी बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी, इट एग्जिबिट द हाई ट्रांसपेरेंट टू द विजुअल लाइट ड्यू टू इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेकिंग इट वैल्यूएबल इन ज्वेलरी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है बहुत ही हाई होती है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका जो हो जाता है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसी कारण इसमें ट्रांसपेरेंसी होता है, जिसके कारण ये ज्वेलरी में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में तो ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज होता है, ये साथ साथ हार्डनेस के लिए भी यूज हो जाता है इसका। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की बात करें तो डायमंड इज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बिकॉज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्डेड इन कोवेलेंट, ठीक है। अब देखो कार्बन के अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन एटम हो गया, इसके चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड में जाना था, आउटर सेल में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और ये चारों दूसरे कार्बन एटम से यहाँ पे अटैच हो रहा है जैसा कि स्ट्रक्चर में, तो सारे तो जाके अटैच हो गए, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होने की बात ही नहीं, इसी कारण से इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हो जाता है डायमंड, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती। अगर ये यहाँ पे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा फ्री इलेक्ट्रॉन वाला, तो अभी ग्रेफाइट आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है और इसमें नहीं आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है, इसी कारण से ये इंसुलेटर हो जाता है, मतलब कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, ओके। नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है, डायमंड को नेचुरली सिर्फ फॉर्म नहीं होता है, इसको सिंथेटिकली लैब में भी बनाया जा सकता है। डायमंड कैन बी फॉर्म नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और सिंथेसाइज आर्टिफिशियली यूजिंग हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टेक्निक्स। अगर किस जो कार्बन को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर, अगर हम लोग कार्बन लिए एमॉर्फस कार्बन लिए, एमॉर्फस कार्बन का मतलब ये जो नॉर्मल कार्बन हम लोग लेते हैं अगर हम लोग, तो उसको अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेफाइट हो लिया जाता है, उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है आर्टिफिशियली लैब में, तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ए थ्री अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेस गिविंग ए हेक्सागोनल एरे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि ग्रेफाइट जो होता है, जैसे कि डायमंड में था कि हर एक कार्बन एटम अलग अलग चार एटम से अटैच हो रहा था, यहाँ पे हर एक कार्बन एटम तीन अलग अलग कार्बन एटम से अटैच हो, ठीक है। अब तीन अलग अलग अटैच हो गए तो यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा, देखो यहाँ पे हेक्सागोनल इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा,
ये हो गया हेक्सागोन, और इसके जितने कॉर्नर्स है इस पे एक एक कार्बन आइटम बैठ गया, ठीक है, और ये एक हेक्सागोनल हुआ। अब इसी को इमेजिन करो यहाँ पे, ठीक है, एक हेक्सागोनल हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी के साथ एक और हेक्सागोनल अटैच, फिर अटैच, फिर अटैच, इसी तरह से एक सीट लेयर बनते चला जाएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा सीट का सीट लेयर बन जाता है। लेकिन कार्बन की यहाँ पे बैलेंसी तो सेटिस्फाइड हुई नहीं, क्योंकि हर एक कार्बन पे तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पे तो चार चार बॉन्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हर एक कार्बन को देखो आप तीन तीन बॉन्ड बना हुआ, देखो इस कार्बन को देखो एक दो तीन, ठीक है, यहाँ पे देखो तो एक दो, और एक इधर भी जो हेक्सागोनल होगा यहाँ पे ये वाला, तो उसके साथ तीन, हर एक को साथ देखो तो तीन तीन बन रहा, तो यहाँ पे तो कार्बन की वैलेंसी सर्टिफाइड नहीं होती है। तो इसमें होगा ये कि यहाँ पे कहीं कहीं बीच बीच में यहाँ पे डबल बाउंड आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर डबल बाउंड आ जाता है, यहाँ पे डबल बाउंड आ गया, तो यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी सर्टिफाइड इस वाले की सर्टिफाइड हो गई, यहाँ पे देखो इस वाले की सर्टिफाइड हो गई, इसी तरह से बीच बीच में यहाँ पे डबल बाउंड यहाँ पे आते रहेगा, ठीक है, डबल बाउंड आने के कारण इसमें चार वैलेंसी की सर्टिफाइड है। लेकिन अब ये होगा क्या, वन ऑफ दीज बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड एंड डस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, मतलब कि चार टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, जिसकी चार कोवेलेंट बॉन्ड होनी चाहिए, तो तीन यहाँ पे बॉन्ड ले लेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ले लेगा, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ओके। लेकिन जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये हेक्सागोनल एरे हो गया, और ये बींग प्लेस्ड इन ए लेयर वन अबव द अदर, अब ये लेयर्ड में प्लेस्ड होता है, इसकी अरेंजमेंट ही ऐसे ऐसा, कोई लेयर में कर नहीं देता है, ये लेयर ऐसी तरह से अरेंज होता ही है, मतलब कि एक सीट ये पूरा बन गया, ये आगे बढ़ते चला जाएगा, पूरा एक सीट बन गया, उसी तरह से उसके नीचे में एक और ये पूरा सीट बन गया, उसी के नीचे में ये पूरा एक और सीट बन गया, ठीक है। अब होगा ये इस तरह से लेयर में ये पूरा अरेंज होता है ग्रेफाइट, और एक दूसरे के लेयर में आपस में ये लोग स्लाइड भी करते हैं, इसी कारण से ये स्लिपरी भी हो जाता है इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में पाउडर फॉर्म में अगर इसको कर देते काफी स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे लेयर पे स्लाइड करता है, एक बात। दूसरी बात, इसमें जो बॉन्ड होते हैं तो कभी कभी ये नीचे वाले लेयर से भी बॉन्डिंग करता है, जिसके कारण यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने लगते हैं, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। कैसे आ जाते हैं यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड है, कभी कभी डबल बॉन्ड यहाँ टूटता है और ये वाला नीचे वाले कार्बन से अटैच हो जाता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, कभी नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है, तो नीचे वाले का भी डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का भी टूटेगा, और आपस में ऊपर नीचे कंबाइन करेगा, तो कभी इधर होगा कभी इधर होगा, इस कारण से इलेक्ट्रॉन मूव करना यहाँ पे शुरू कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वहां पे कंडक्शन होने लगेगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, तो सॉफ्टनेस, जैसे कि डायमंड में था वो हार्डनेस का प्रॉपर्टी था, ये सॉफ्टनेस रहेगा, ग्रेफाइट इज अ रिलेटिवली सॉफ्ट एंड कैन इजीली बी क्लीवेड इनटू थिन फ्लेक्सिबल शीट व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन पेंसिल, तो पेंसिल के जो आगे टॉप में आप देखते हैं नीब जो होता है इसका, वो बना होता है ग्रेफाइट का, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होता है, अगर हम लोग पेंसिल जो ग्रेफाइट होता है उसको अगर हम लेके पेपर पर अगर रगड़ते हैं तो उसका निशान भी पड़ते जल जाता है, इसी कारण से इसमें पेंसिल में यूज होता है, और इसको इजिली सॉफ्ट होता है, तो पतला सीट में पतला रॉड के शेप में इसको डिजाइन किया जाता है, काट के किया जा सकता है। कंडक्टिविटी, जैसे मैंने बताया, इट एग्जिबिट अ हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद द लेयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता क्या है ये अभी जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि हाँ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे फील होता है, मेकिंग इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं लुब्रिकेंट की, ठीक है, ग्रेफाइट हैज ए स्लिपरी फील, इट इज यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इन एप्लीकेशन वेयर ट्रेडिशनल लुब्रिकेंट वुड बी इम्प्रैक्टिकल, मतलब कि वहां पे जहाँ पे ट्रेडिशनल लुब्रिकेंट जो हम लोग हमेशा से यूज करते हुए आ रहे हैं लुब्रिकेंट, जो अगर वो फेल हो जाता है, अगर वहां पे वो लुब्रिकेंट काम नहीं करता है, तो वहां पे हम लोग ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट को यूज करेंगे तो ड्राई फॉर्म में रहेगा, और इसकी जो बर्निंग पॉइंट है वो भी काफी हाई होती है, तो जल्दी से जल्दी खराब भी नहीं होगा, और वहां पे ये स्टेबल भी रहता है, जल्दी किसी रिएक्ट भी नहीं करेगा, और वहां पे जो लुब्रिकेंट का काम है वो लुब्रिकेंट का काम भी करेगा, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लिपरी करता है, स्लिप करता है, इसी कारण से लुब्रिकेशन में भी काम आने लगता है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, आपके ऑप्शन है डायमंड है, ग्रेफाइट है, बल्क मिस्टर फ्लूइड है, या कार्बन ब्लैक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो चारों के चारों एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन है, डायमंड, ग्रेफाइट और बल्क मिस्टर फ्लूइड, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रॉफ हो जाता है, और जो ब्लैक कार्बन हो जाता है ये एमॉर्फस फॉर्म ऑफ हो जाता है, ठीक है,
एमॉर्फस फॉर्म का हो जाने का मतलब इसमें कोई प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होगा, और बाकी डायमंड में, ग्रेफाइट में, बर्कमेस्टर में, कार्बन 60 में इसमें प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही होगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसमें किसमें होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है डायमंड में नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ब्लैक कार्बन होता है, ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बर्कमेस्टर फ्लोरीन की कार्बन 60 के बारे में, ठीक है। तो कार्बन 60 विच हैज ए कार्बन एटम अरेंज इन ए शेप ऑफ फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल के शेप में 60 एटम्स ऑफ कार्बन अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से। जैसे फुटबॉल का शेप होता है ना, एक एक हेक्सागोनल रहेगा, ठीक है, एक हेक्सागोनल हो गया और इसके साथ पेंटागोनल अटैच रहेगा, ठीक है। ये हो गया पेंटागोनल, आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मैं पेंटागोनल बना रहा हूँ, ये देखो, ये पेंटागोनल है, ठीक है, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर हो गया और इसके साथ साथ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी इसके साथ अटैच होगा। यहाँ पे हमने दिखाता हूँ, ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह से हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर का आपस में कॉम्बिनेशन होता है और कुल मिला के इसमें नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 60 होगा, इसीलिए C60 इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या होगा, बर्कमेस्टर फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन नाम से होता है। और भी अगर एटम कार्बन के नंबर चेंज होता है तो उसको फ्लोरीन कहेंगे, लेकिन यहाँ पे बर्कमेस्टर फ्लोरीन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको कार्बन 60 बर्कमेस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसका नाम बर्कमेस्टर फ्लोरीन कैसे पड़ा। सिंस इट लुक लाइक ए जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर बाई ए यूएस आर्किटेक्ट बर्कमेस्टर फ्लोरीन, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फ्लोरीन, ठीक है। तो ये एक जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर है, डिजाइन किया गया था यूएस आर्किटेक्चर बर्कमेस्टर फ्लोरीन के द्वारा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूएस में ये स्ट्रक्चर है। जब इसका खोज हुआ कार्बन 60 का, बर्कमेस्टर फ्लोरीन का, तो ये भी इसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर मिला, लगभग मिलता जुलता, इसीलिए इसका नाम भी बर्कमेस्टर फ्लोरीन या C60 नाम से इसको जाना गया, इसका नाम भी रख दिया गया बर्कमेस्टर फ्लोरीन। अब एप्लीकेशन ऑफ बर्कमेस्टर फ्लोरीन क्या होता है। फ्लोरीन इन इज प्योर स्टेट एक्ट एज इंसुलेटर बट कन्वर्टेड टू ए सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर अंडर सुटेबल कंडीशन। प्योर स्टेट में रहेगा तो इंसुलेटर होगा, ठीक है, लेकिन सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। बर्कमेस्टर फ्लोरीन एबिलिटी टू ट्रैप डिफरेंट एटम फ्रॉम मॉलिक्यूल्स मेक देम यूजफुल इन मेडिकल फील्ड, ठीक है। अब देखो कार्बन 60 जो होता है, तो फुटबॉल की तरह का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके बीच में तो हॉलो हो गया, तो यहाँ पे एटम को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए ये चीज यूज है। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव कार्बन 60 को ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव को इसके बीच में ट्रैक करके यूज करते हैं, कैन बी यूज इन कैंसर एज वेल एज एड्स थेरेपी। फ्लोरीन हेल्प्स इन इंप्रूविंग एंटी वियर एंड एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है। तो एंटी वियर और एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, हेल्प करता है लुब्रिकेशन, है तो लुब्रिकेशन में काफी हेल्प हो जाता है। इट कैन बी कैटलाइज्ड फोटोकेमिकल रिफाइनिंग इन इंडस्ट्री, फोटोकेमिकल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। इट हैज अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेंस इट इज यूज्ड एज कॉमनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एक्सेप्टर बेस्ड सोलर सेल में इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी हाई होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें सोलर सेल बेस्ड में इसका इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली।